राज्य निर्वाचन आयोग की अहम बैठक आज, पंचायत चुनाव को निरस्त करने पर हो सकता है फैसला, मीटिंग में होगी चर्चा। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह समेत कई विशेषज्ञों से की मुलाकात। बीजेपी का मिशन 2023, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने बुलाई बैठक, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत सभी कैबिनेट के मंत्री रहेंगे मौजूद। एमपी कैबिनेट बैठक में सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए कैबिनेट ने लगाई मोहर। पंचायत चुनाव निरस्त करने पर लगी मोहर, राज्यपाल के पास भेजा गया प्रस्ताव, चुनाव पर लिमिटेशन, अध्यादेश वापस लेगी सरकार। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पंचायत राज संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है, इस पर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होना था लेकिन नहीं हो सका। पंचायत चुनाव निरस्त होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा का ट्वीट, कहा अगर ये समाचार सही है तो कदम ठीक है। भोपाल में हुई राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक, रविवार को राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं मिला राज्यपाल का निर्देश, बंद चिट्ठियों में आया पंचायत चुनाव का निर्देश। आज आ सकता है राजभवन से निर्देश, निर्देश के बाद कानूनी सलाह लेगा राज्य निर्वाचन आयोग, विशेषज्ञों के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा आगे का फैसला। रविवार को ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, झांसी की रानी की समाधि स्थल पर पहुंचे जहां पर उन्होंने हाथ जोड़कर नमन किया। सिंधिया ने परिवार की परंपरा को तोड़ दिया, हालांकि ये सिंधिया राजघराने से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। इस दौरान उनके साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पहुंचे और माता को पुष्प अर्पित किए। जयपुर में धर्म संसद 2021 में महाराष्ट्र से आए संत कालीचरण ने मंच से गांधी जी के बारे में गलत बातें कही, उन्होंने कहा कि इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए देश का पर कब्जा करना है। सन 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया, मोहनदास करमचंद्र गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। साथ ही संत कालीचरण ने कहा कि नमस्कार है नाथुराम गोडसे को जिन्होंने उन्हें मार गिराया, गांधी जी ने देश का सत्यानाश किया था। वहीं कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और राज्य गोसेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने इस बयान का विरोध करते हुए मंच छोड़ दिया। पीएम मोदी के ऐलान के बाद देश में 10 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के साथ साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स, 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। केंद्र की तरफ से की गई घोषणा के बाद अब राज्यों में भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। टीकाकरण का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों का अनुमान है कि प्रदेश के करीब 1 करोड़ हितग्राही हैं जो इस दायरे में आ रहे हैं। जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों के द्वारा यह दावा किया गया कि इन सभी हितग्राहियों को 1 महीने में टीका लगा दिया जाएगा। ग्वालियर की गायत्री विहार कॉलोनी में आत्महत्या का मामला सामने आया, जानकारी के मुताबिक युवक ने देसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मृतक शैलेंद्र स्वभाव से गुस्सैल था जिसके चलते उसकी परिवार के लोगों से अनबन रहती थी और कोई भी उससे ज्यादा बात नहीं करता था। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दुर्ग में चोरी की नियत से ऑटो पार्ट्स की दुकान में घुसने वाला चोर को चोरी करना भारी पड़ गया जिसके चलते उसने अपनी जान गंवा दी। चोर डेरा शटर काटकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था।
शटर काटते वक्त अचानक शटर उसके स्तर पर गिर गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कांकेर के चारामा थाना क्षेत्र में लखनपुरी मेले में झूला झूलने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया जिसके बाद एक व्यक्ति पर चाकू से तीन लोगों ने हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जहां से उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्वालियर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में देर रात दो गुटों में विवाद हो गया। इस दौरान विवाद में जमकर गोलियां चली और तीन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। घटना में एक युवक के सर पर चोट आई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। महासमुंद में कोरोना का केस कम होने के बाद अब बिजली विभाग सख्त हो गया और बकायेदारों से बिल वसूल रहा है। वहीं बिल न चुकाने पर बिजली कनेक्शन काट दिए गए। हाउसिंग बोर्ड शंकराचार्य भवन समेत कई गांव की गलियों में अंधेरा छा गया। जानकारी के मुताबिक महासमुंद डिविजनल में 36 विभागों के 2172 कनेक्शन का 2 लाख से ज्यादा रुपए बकाया है। बिजली विभाग की तरफ से सरकारी दफ्तरों के विभागीय अधिकारियों को बिल जमा करने का आग्रह किया। अगर बिल का भुगतान नहीं किया गया तो बिजली विभाग कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेगा। बिजली विभाग पहले चरण में विभाग के स्ट्रीट लाइन कनेक्शन को काट रही है, चाहे वो शहर की हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। केंद्रीय कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान देते हुए नरेंद्र सिंह तोमर का समर्थन किया। कहा, किसानों के हित में अगर कानून लाना पड़ेगा तो लाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के लिए किसानों का हित ही सर्वोपरि है। पहले भी जो कानून आए थे वो किसानों के हित में ही थे। पंचायत चुनाव पर कांग्रेस के बयानों पर मंत्री कमल पटेल ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस के कारण मध्य प्रदेश में चुनाव टाले गए। कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग की अनदेखी की है। कांग्रेस ने ओबीसी विरोधी प्रोसेस को अपनाया। कैबिनेट से खेलो इंडिया को 200 करोड़ की मंजूरी मिली। 65 कन्या परिसर की मिली अनुमति। खेलो इंडिया को परमिशन दी गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि। कहा, मध्य प्रदेश के इंदौर में ओमिक्रॉन के 8 मरीज मिले, इनमें से 6 मरीज ठीक हुए। सारंग ने कहा कि इंदौर के 2 मरीज अस्पताल में हैं, उनमें लक्षण नहीं है। हर मरीज से जुड़े 30-30 लोगों की ट्रेसिंग की गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कोरोना को लेकर बयान। कहा, कोरोना के 41 पॉजिटिव केस सामने आए, सभी से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। साथ ही कोरोना को देखते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने बर्थडे पर नई पहल की। मंत्री विश्वास सारंग ने 29 दिसंबर को वर्चुअल बर्थडे मनाने का फैसला लिया। बच्चों के वैक्सीनेशन पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बोले, 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रिकॉशन डोज के रूप में हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 10 जनवरी से सभी को टीका लगेगा। 60 प्लस के लोगों को डॉक्टर की सलाह पर डोज दी जाएगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक अफसरों की तैनाती पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री बोले, महत्वाकांक्षी योजना है। अस्पतालों की व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल मैनेजर रोजमर्रा की व्यवस्था देख सके, ये जरूरी है। भोपाल में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम ने शिरकत की। पीएम की जमकर किताई। ग्वालियर में विश्व संगीत तानसेन समारोह का आयोजन। समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। सीएम ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में
सप्तपर्णी और मोर्शी के पौधे लगाए। इस दौरान उनके साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने जनसंपर्क आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े और प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह के साथ भी गुलमोहर का पौधा लगाया। ट्विटर पर बढ़ी सीएम शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता। ट्विटर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 8 मिलियन फॉलोअर्स हुए। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मंत्री माया सिंह के पैर छूते नजर आ रहे हैं। कमलनाथ के ट्वीट पर सिंधिया का पलटवार। कहा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का तो काम ही आरोप लगाना है। लगता कभी सरकार पर लगाते हैं तो कभी हिंदू धर्म पर आरोप लगाते हैं। कमलनाथ ने सरकार पर लगाए थे आरोप। कहा था कि सरकार ओमिक्रॉन के आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दिग्विजय सिंह पर निशाना। कहा, दिग्विजय सिंह आपको इतनी एलर्जी क्यों है हिंदुत्व से, हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह केवल मीडिया में आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह के महिलाओं को लेकर दिए विवादित बयान पर ऊर्जा मंत्री ने दी नसीहत। कहा, मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरह की टिप्पणी करने से बचिए। मधुबन में राधिका नाचे विवादित डांस को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यूट्यूब से गाना वापस लेने को लेकर बयान दिया। गृह मंत्री ने कहा कि शारिफ तोशी और सनी लियोनी जैसे लोग समझते हैं वो संभल जाएं, और 3 दिन में यदि यूट्यूब ने ये गाना वापस नहीं लिया तो कार्रवाई करेंगे। बड़वानी के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग पहुंचे बड़वानी अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। हरदीप सिंह के साथ मंत्री प्रेम सिंह पटेल भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मंत्री बोले, कहा, कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार। इंदौर में 70 साल की उम्र में विधायक ने चलाई मैकेनिकल ट्रेडमिल। इंदौर विधानसभा नंबर 5 से बीजेपी विधायक महेंद्र हाड़िया ने शुभारंभ के मौके पर कसरत की। एमपी में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन सहित प्रदेश के कई जिलों में बदलेगा मौसम। 28 और 29 दिसंबर को प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने के साथ ही ओले गिरने की संभावना। जमीन पर दबंगों के कब्जे से परेशान परिवार फिर पानी की टंकी पर चढ़ा। पहले भी 12 बार पानी की टंकी पर चढ़ चुका है परिवार। छिंदवाड़ा के जाम सावली मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को डीजे की गाड़ी ने रौंदा। पांडुनी से जाम सावली जा रहे थे श्रद्धालु, पैदल जा रहे थे सभी श्रद्धालु। डीजे की गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बाद यह हादसा हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, 3 की हालत गंभीर। विदिशा में पंचायत चुनाव को लेकर हुआ विवाद। चुनाव में खड़े होने पर बमूरिया गांव में हुआ विवाद। विवाद में गोली चलने से 1 व्यक्ति की मौत। जबलपुर में खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन। 54वीं राष्ट्रीय सीनियर खो खो प्रतियोगिता का आगाज हुआ। यह प्रतियोगिता 30 दिसंबर तक चली। सिवनी के छपारा में एक दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, जहां पिता के साथ खेलते हुए एक बच्चा गर्म खोलते पानी में गिर गया, जिसके बाद पिता ने उठाकर उसे ठंडे पानी में डाला, लेकिन बालक की हालत गंभीर हो चुकी थी। 3 दिन तक बालक जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ता रहा, उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ग्वालियर में दिन दहाड़े बेखौफ तरीके से चोरी करते हुए चोर का वीडियो बनाया गया। कंपू निवासी दिवाकर जोशी के घर से चोरी करता चोर का वीडियो वायरल।
पीड़ित जोशी के मधुगंज पुलिस को घटना से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खौफ के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण की घोषणा की। इस दौरान बच्चों के अभिभावकों ने बेहद खुशी जताई और प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहा। कवर्धा के स्कूल सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर रायपुर के लिए प्रदर्शन करेंगे, सरकार को वादों की याद दिलाएंगे कर्मचारी। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंबिकापुर शहर सहित देश भर के कई राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों से ऑनलाइन ठगी की गई। साइबर सेल की मदद से बिहार से गिरफ्तार किए गए आरोपी, पुलिस ने आरोपियों से 5,13,000 रुपए नकदी समेत 2 लैपटॉप, 11 मोबाइल, कई एटीएम कार्ड बरामद किए। बेमित्रा में सब्जी की गाड़ी और ट्रक में भिड़ंत, गंभीर रूप से घायल हुआ ड्राइवर। नेशनल हाईवे 30 में एक गांव के पास हुई भिड़ंत। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया साफ, कहा सरकार की कृषि कानूनों को वापस लेने की कोई योजना नहीं। तोमर ने एक बयान में इस बात को साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया था। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणी को गलत समझा गया और उनकी मंशा को गलत दिखाया गया। पीएम मोदी ने बूस्टर डोज देने का ऐलान किया था, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मेरा बूस्टर डोज का सुझाव मान लिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से इस फैसले की सहमति जताते हुए कहा कि ये एक सही कदम है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर 5 जनवरी से होने वाले एक नाटक के मंचन को स्थगित कर दिया गया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम स्थिति में सुधार होते ही जल्द से जल्द नई घोषणा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 5 जनवरी से कुल 50 शो आयोजित करने की योजना है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में ग्रेनेड हमला हुआ, आपको बता दें कि आतंकियों ने पुलिस पोस्ट को निशाना बनाते हुए यह हमला किया था। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए जिनको नजदीक अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां उनका इलाज जारी है। ग्रेनेड फेंकने के बाद आतंकी मौके से फरार हुए, आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली और तलाशी अभियान अब भी जारी है। देश में 578 के पार पहुंचा ओमिक्रॉन से संक्रमितों का आंकड़ा, दिल्ली में सबसे ज्यादा 142 मामले, दूसरे नंबर पर पहुंचा महाराष्ट्र। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,000 से ज्यादा मामले, एक दिन में 162 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केसों की संख्या 76,000 के पार। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 और मामले सामने आए, इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 6 हुई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की दस्तक, कनाडा से लौटी एक महिला में संक्रमित पाया गया ओमिक्रॉन। महिला हिमाचल प्रदेश के मंडी की रहने वाली है, जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा ओमिक्रॉन का प्रदूषण का स्तर, दिल्ली में AQI 430 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में गरज के साथ हल्की बारिश हुई, मौसम विभाग ने 26, 27 और 28 दिसंबर को बारिश होने की संभावना जताई। वहीं दिल्ली में 29 दिसंबर से कोहरे का कहर देखने को मिला,
तो वहीं NCR में 31 दिसंबर तक बादल के छाए रहने की उम्मीद।